राजस्थान में बीजेपी आगे निकल गई, ब्रेकिंग न्यूज फिर से। अब साधना भारती की दुखदुखी बड़ी होगी और शिवम खुश हो जाएंगे। बीजेपी राजस्थान में देखिए आगे निकल गई है, 98 पर है, 95 पर आ गई कांग्रेस, कांटे की टक्कर। लेकिन अब एमपी राजस्थान दोनों जगह बीजेपी आगे, ज्यादातर समय कांग्रेस आगे थी लेकिन अब इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी आगे हो गई है। और दोनों राज्यों में बीजेपी के आगे होने में जाहिर है अब एक संदेश भी छुपा होगा। अगर यह आंकड़ा इसी तरह रहता है, इन रुझानों में बीजेपी आगे रहती है, क्या 2-2 का स्कोर आपको मंजूर है शिवम त्यागी? एमपी राजस्थान आपके हुए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस के हुए। शिवम तो मांडवाली थोड़ी करनी है। नहीं, 2-2 का तो सवाल ही नहीं है, मैं तो 4-1 की बात कर रहा हूं। 3 में हमारी सरकार, 4th में एनडीए की सरकार और 1 में जो है, मान लीजिए अगर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें, मेरी बहन जो है साधना जी बड़ी खुश थी अभी, अक्सर हंसते हुए चेहरे के पीछे दर्द बहुत ज्यादा छिपा होता है, आप समझ नहीं रहे। एक तो होम स्टेट है उनका मध्य प्रदेश, वहां तो मुझे लग रहा है ट्रेल भी नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे रह गए। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, मुझे लगता है 50-50 का फर्क ना पड़ जाए। तो एक तो वो दर्द सबसे ज्यादा, भाई जहां आदमी ने सबसे ज्यादा कैंपेन किया हो, जहां रोड शो किया हो, ऐसा लग रहा है जैसे जहां जहां रोड शो किया है वहां तो निराधार हार गई कांग्रेस। एक तो ये बड़ी परेशानी हो गई। दूसरा विषय ये भी है कि राजस्थान के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके का माहौल है, सर्वे सबका सम्मान है जिसका जो भी सर्वे रहा, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके का माहौल रहा, और आपको याद होगा एक बाइट बड़ा इंटरेस्टिंग जो अशोक गहलोत जी ने कहा था कि अगर हिंदू कार्ड भारतीय जनता पार्टी का चल गया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, वरना हम जीत रहे हैं। विशेष बात यह रही है कि जिस तरीके से तुष्टिकरण 136, एक सेकंड शिवम, एक सेकंड रोक रहा हूं शिवम, वन सेकंड, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, गुड न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहुंच गई 136, कांग्रेस 82, कांग्रेस नीचे आ रही है मध्य प्रदेश में और बीजेपी ऊपर जा रही है। शिवराज सिंह चौहान इस समय, वाकई सोचिए जरा, न सिर्फ राहत की सांस ले रहे होंगे बल्कि कितना खुश होंगे, कितना गौरवान्वित होंगे। सोचिए केंद्रीय आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटाने की कितनी कोशिश की। और देखिए इसी समय ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई, इत्तेफाक देखिए, शिवराज सिंह बुधनी से आगे चल रहे हैं लेकिन नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं दतिया से, वसुंधरा राजे राजस्थान से अपना झालरा पाटन सीट से आगे चल रही हैं, यह भी ब्रेकिंग न्यूज है। राज्यवर्धन राठौड़ झोंटवाड़ा से आगे चल रहे हैं, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और दिया कुमारी भी आगे चल रही हैं विद्याधर नगर से, बीजेपी की, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में भी मानी जाती हैं। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दतिया से पीछे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। 6 बार से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहा हूं। ओके, राज्यवर्धन राठौर आगे चल रहे हैं झोंटवाड़ा से, वो भी सीएम की रेस में माने जाते हैं। फिर विद्याधर नगर से दिया कुमारी आगे चल रही हैं, वो भी सीएम की रेस में मानी जाती हैं। ये जो सीट है मानक, ये नरपत सिंह जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, वो वहां से एमएलए हुआ करते थे, उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया, बाद में उनका टिकट अनाउंस हुआ और यहां से दिया कुमारी को फील किया गया। एक बार फिर से क्या हम सीना चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा हमने कहा था, राजस्थान सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट पीछे, ब्रेकिंग न्यूज।